नमस्कार दोस्तों, फाइनली आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक ऐसा वायरलेस सिस्टम जिसे कि आप अपने ब्रॉडबैंड पे वायरलेस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही थी सर वायर वाले, तो आपने बहुत ज़्यादा राउटर दिखा दिए। एक ऐसा दिखाइए जो पूरी तरीके से वायरलेस हो। मेरे घर में एयरटेल एक्सिस टीम एयर फाइबर लगा हो या मेरे घर में जियो एयर फाइबर लगा हो, तो मैं ईजिली एक्सटेंड कर लूँ और मुझे ईथरनेट केबल से कनेक्टिविटी नहीं चाहिए, पूरी तरीके से वायरलेस। तो फाइनली हम आपके लिए ले आए हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोडक्ट लिंक भी मिल जाएंगे। डिफरेंट इस ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको इसमें के ऐसे बेस्ट फीचर देखने के लिए मिलते हैं जिसमें आपको कोई भी ईथरनेट केबल की रिक्वायरमेंट नहीं हो, तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं। वैसे इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहां पे मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा सिर्फ खोल के प्रोडक्ट को। जो आपको देखने के लिए मिलता है वो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट देखने के लिए मिलता है। इसे ऊपर रख लेते हैं एंड रखने के बाद यहां पे ये मेन राउटर है जो एक्चुअली हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ इसे पन्नी से निकाल लेते हैं, पन्नी को नीचे फेंक देते हैं। राउटर में आपको चार टांगें देखने के लिए मिलती हैं, मतलब एंटेना है, जिसमें कि एक अच्छी रेंज देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे इसे मैं आपको पूरा सेटअप करके दिखाऊंगा किस तरीके से वर्क करेगा। और यहाँ पे हमें इसका अडेप्टर मिल जाता है और यहाँ इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। पीछे आपको ये पोर्ट देखने के लिए मिल जाती हैं, जो आपको ये देखने के लिए मिलती हैं। तो मेनली क्योंकि हमें पोर्ट का कोई काम नहीं है, कोई भी पोर्ट हम यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ इसे वायरलेस ही एक्सटेंडर बना देंगे। और ये अडेप्टर जो है हम यूपीएस इसलिए लेके आए क्योंकि यहाँ पे कोई पावर सोर्स नहीं है, तो यहाँ पे हम यूपीएस में लगा लेते हैं इसे, जो फाइनली लगा लिया है। क्योंकि ये इतना कम लोड लेती है तो यूपीएस ये मानती है कि वो एक्चुअली फ्री पावर पर चल रही है, तो वो आउट ऑफ हो जाती है। तो हमें जो काम करना पड़ेगा वो 2-3 मिनट के अंदर ही करना पड़ेगा। तो इसे स्टार्ट कर लिया है और एक्चुअली आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको मालूम चल जाएगा राउटर की रेड लाइट जलेगी। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए, क्योंकि तब तक ये स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि हमें आपको लाइव स्क्रीन दिखानी पड़ेगी, तभी आप एक्चुअली समझ पाएंगे किस तरीके से ये वर्क करेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं, जिसमें कि अब आपको एक्चुअली मालूम चलेगा किस तरीके से कनेक्ट करना है। तो हम पहले वाईफाई सेटिंग में जाएंगे। वाईफाई सेटिंग में जाने के बाद अभी इसका वाईफाई हमें चेक करना है कि कौन सा हमें वाईफाई मिल रहा है, 2.4 GHz मिल रहा है या 5 GHz मिल रहा है। तो 2.4 GHz पहले लिख के आ गया, तो इसे कनेक्ट हो रहा है। और ये क्योंकि अभी ये ओपनली नेटवर्क में कोई पासवर्ड नहीं है, तो यहाँ पर ये कनेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं इसे दोबारा से, तो नो इंटरनेट एक्सेस लिख के आ रहा है। डैट मीन्स ये इंटरनेट से ये कनेक्ट नहीं है, अब हमें सेटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कुछ सेकंड रुकना है, ये ऑप्शन आना ज़रूरी है, जैसे कि हाँ मुझे बिना इंटरनेट के भी ये डिवाइस ही कनेक्ट रखना है, नहीं तो ये स्विच हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम चलेंगे इंटरनेट ब्राउज़र पर और यहाँ पर हम डाल देंगे URL जो हमने मालूम है 192.168. ये आ गया। जैसे ही हम ये URL डालेंगे तो पूरा इंटरफेस जो है वो इसका खुल के आ जाएगा। तो हमें इसमें एडमिन ही डालना है पासवर्ड में, जो डिफ़ॉल्ट ही रहता है। और ये ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको वाईफाई का पासवर्ड चेंज करना है, जो आप चाहें वो डाल सकते हैं, जो नॉर्मली आपको देखने के लिए मिल जाएगा वाईफाई सेटिंग में। और यहाँ पर नॉन इनक्रिप्टेड है, तो यहाँ पर आप पासवर्ड डाल के चेंज कर सकते हैं, अपना नाम भी जो भी कर सकते हैं, वो जो भी कंपनी का राउटर है वो। हमें जाना है वैन सेटिंग में। वैन सेटिंग में जाने के बाद ये अलग अलग मोड रहते हैं, लेकिन आप यही कंपनी का राउटर खरीदते हैं तो सेम प्रोसीजर है। तो यहाँ पे हम ऑटो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऑटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे और स्कैन अगेन, और यहाँ पे हमें पूछ रहा है वायरलेस स्कैन, आपको 2.4 GHz पे चाहिए 5 GHz पे। 5 GHz सबसे बेस्ट रहता है, लेकिन 4 GHz पे रेंज लंबी हो तो हमें नॉर्मली करना पड़ता है। तो मैं 5 GHz पे करूँगा और 5 GHz पे जो भी नियरेस्ट मेरे बैंड फ्रिक्वेंसी चल रही होगी सब कुछ स्कैन करके दिखा देगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे सब देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे हमारा नाम नहीं आया है। थर्ड ऑप्शन पे हमें आनंद एयर फाइबर देखने के लिए मिला, मतलब इसकी रेंज कम है आम वाईफाई के मुकाबले। यहाँ पे मुझे पासवर्ड डालना होगा, तो मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए, जैसे कि आपको हर कोई वीडियो मिलती रहे। इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वीडियो मतलब चैनल मिल जाएंगे, जैसे कि आपको वीडियो रेगुलर अपडेट मिलती रहे। और हमारी कैटलॉग भी है, प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी मिल जाते हैं आपको। तो यहाँ पर पासवर्ड डाल लेते हैं। पासवर्ड डाल के अब ये
सक्सेस हो चुका है और आप देख रहे हैं अभी तक इंटरनेट नहीं चल रहा है क्योंकि डॉट नो इंटरनेट लिख के आ रहा है और अब ये रीस्टार्ट होगा पूरी तरीके से। तो दोस्तों लमसम रीस्टार्ट हो चुका है दोबारा से। तो यहाँ पे हम सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद और क्योंकि रीस्टार्ट होना एक बार ज़रूरी है, नहीं हो तो नॉर्मल पावर ऑन ऑफ करके कर लेते हैं और उसके बाद आप इजीएस्ट तरीके से यहाँ पे इसे आप अभी रीस्टार्ट हो रहा है तो एयरटेल का दिखाया नहीं है, इतने हॉट स्पॉट हैं कॉलोनी में, एक्चुअली हर दूसरे घर में तो आज की डेट में वाईफाई देखने के लिए मिल जाएगा, अभी इसका वाईफाई आया नहीं है और आपको ऑन कर लेना है दोबारा से, जिसमें कि रीस्टार्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है वाईफाई आने में एक्चुअली। और यहाँ पे स्कैन कर रहा है कंटिन्यू और यहाँ पे ये आ गया है। तो इसे हम अभी मैंने कोई पासवर्ड नहीं डाला ना मैंने इसमें नाम चेंज करा है और अब ये कनेक्टेड देखने के लिए मिल रहा है। तो आप देखेंगे सिक्योरिटी वीक इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने कोई पासवर्ड नहीं डाल रखा है, कोई भी कनेक्ट कर सकता है। और अब स्पीड देख लेते हैं, जो नॉर्मली मुझे 30 Mbps की स्पीड मिल रही थी तो मुझे कितनी मिल रही है। तो खोल लेते हैं स्पीड टेस्ट और यहाँ पे आप देखेंगे LB लिंक का ही राउटर कनेक्ट है जो 5 GHz पे है इस टाइम कनेक्ट, और यहाँ पे वाईफाई है। इंटरनेट ऑफ कर देते हैं पूरी तरीके से, मतलब कोई भी कनेक्शन नहीं है इस टाइम मोबाइल इंटरनेट से, और जियो का ही जियो एयर फाइबर लगा हुआ है। तो क्या मतलब 30 Mbps का कनेक्शन है तो मुझे कितनी स्पीड मिल रही है, कितना ड्रॉपनेस रह रहा है, तो ये आपको ड्रॉपनेस देखने के लिए मिलता है जो एक्चुअली मुझे लग रहा है कि ये पहुंच जाएगा 20 तक और लमसम पूरा ही आ गई स्पीड। मतलब शुरू में थोड़ा ड्रॉप रहता है जो नॉर्मली जियो का भी रहता ही है मेन देखते हैं तो, और अपलोडिंग स्पीड भी लमसम सेम ही है, तो मतलब कोई भी 0% ड्रॉपनेस है। और मैं डिस्टेंस बता दूं तो कम से कम 2 फ्लोर ऊपर मैं ये कनेक्ट करके यूज़ कर रहा हूं। तो फाइनली 30 Mbps डाउनलोडिंग एंड 30 Mbps अपलोडिंग स्पीड देखने के लिए मिल जाती है। तो ये सारा प्रोसेस है जिससे कि आप ईजिली वायरलेस अपने राउटर को कनेक्ट कर सकते हैं, जियो एयर फाइबर या एयरटेल एक्स सिस्टम कोई सा भी राउटर लगाओ। तो ये फाइनली आपके लिए एक वरदान है जिसे कि आप बिना वायर के भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।